प्रशांत भैया खैरियत, आप तो बड़े हैं मुझसे। प्रशांत साहब खैरियत से हैं आप? हाँ, मैं खैरियत से हूँ। मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, हुक्म कीजिए। श्योर, देखो, मेरे को सिर्फ आई विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, ठीक है? गो अहेड। सर, आई हैव बीन वॉचिंग, मैं आपकी वीडियोस काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। अभी यहाँ पे रात के 12:30 बजे हैं, फिर भी यू नो समहाउ आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम, थैंक यू ठीक सो है? मच। मैं मेरा सिर्फ आपसे दो दो चीज़ें कहनी है मेरे को, बस आपसे। बहुत कम पाकिस्तानी लोग हैं जो आपके जैसे हैं, एटलीस्ट मेरी इंट्रैक्शन में, यू नो, एंड आई फील दैट पाकिस्तान नीड्स मोर पीपल लाइक यू, यू नो, बिकॉज सी द वे आई लुक एट पाकिस्तान इज नॉट द वे प्रॉब्ली मेनी पीपल अदर पीपल में लुक एट इट। मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि यू नो पाकिस्तान, इफ इट बिकम्स, इफ इट कैन, यू नो, इफ इट कैन गेट मोर पीपल लाइक यू एंड मोर पीपल इन चार्ज ऑफ द हायर पावर सेंटर्स, जो बहुत उम्दा वॉट एवर पावर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप लोग, यू नो, द काइंड ऑफ ब्रॉड माइंडेडनेस वट इज़ रिक्वायर्ड, अगर वो हो जाता है ना, और देन इट इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। तो प्रशांत वो ए... प्रशांत जी, प्रशांत साहब, अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट करें ना, वो मेरे जैसे ही हैं। हाँ, लेकिन तो ऐसा वही है ना, होता है, हम इंटरेक्ट लेकिन नहीं कर सकते हैं ना, हाँ, ऐसा तो होता वही है ना कि प्रॉब्लम है। जो जो आवाज़ें आपको नजर आती हैं, अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जो नेगेटिव होता है, जो बदतमीजी करता है, वो जरा ज्यादा वोकल हो जाता है, वो सबको नजर आता है। वरना पाकिस्तानी पीपल आर एज नॉर्मल एज एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ कंट्री, नॉट इन सर्टन पॉलिटिकल टर्म्स, बट एज अ होल, इट्स एज नॉर्मल एज एनीबॉडी कैन बी। हाँ, तो अनदर टू थिंग्स, यू नो, एक तो चीज ये है कि आई हैव इंटरेक्टेड विद पाकिस्तानीज आउटसाइड इंडिया। मैं यूएस में 6-7 साल पढ़ा था, तो आई वो जस्ट वॉन्ट टू शेयर ए स्मॉल इंसिडेंट, यू नो। प्लीज प्लीज। तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मुझे पता नहीं, जब मैं 7-8 साल था, यू नो, व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, आई डोंट नो मेरा और पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, मुझे मालूम नहीं है। जब मैं 8 साल की उम्र में मैं दिल्ली में था, तो आई यूज टू ट्यून इन टू पाकिस्तान रेडियो। तो मेरे को अभी तक पता नहीं कि मैं उतना छोटा बच्चा मैं क्यों पाकिस्तान रेडियो को ट्यून कर रहा था। तो बाद में मैं अमेरिका भी गया, यू नो, आई वेंट टू स्टडी, और मुझे वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी दोस्त भी रहे। एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज रियली ट्रू, द मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानी फ्रेंड्स दैट आई मेट, दे वर रियली रियली वेरी गुड पीपल। और मैं जब वापस इंडिया आया, तो मैंने एक बंदे को मेरे अपना अपना फ़ोन नंबर दिया था। उस वक्त ये ट्रंक कॉल आ रहा था पाकिस्तान से, तो मेरी मम्मी भी थी वहाँ पे। मेरे को याद है, 10 साल पहले की बात है, कि मेरे को मम्मी ने बोला, तुम्हारा ट्रंक कॉल आया है पाकिस्तान से, उसने मुझे कॉल किया था। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को इतनी खुशी हुई। उसका नाम शायद फैजल था, कुछ था। आई वॉज सो हैप्पी एलेटेड कि अरे भाई, मेरे को पाकिस्तान से ट्रंक कॉल आया। और मेरे को वो फोन दैट यू बोलते ऑपरेटर, उसने बोला कि यू नो यू हैव ए कॉल फ्रॉम कराची पाकिस्तान। आई एम टेलिंग यू, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई डोंट नो वाई, वॉट इज द रीजन फॉर दैट, पता नहीं। यू नो, वी बिलीव इन मल्टीपल बर्थ्स, मे बी आई वॉज फ्रॉम दैट एरिया इन द प्रीवियस बर्थ, ठीक है? और आखिरी आखिरी चीज जिसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है, एंड यू मे नॉट अग्री विथ मी बिकॉज यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट मेरा ये मानना है ना कि यू नो इन आवर कंट्री, बिकॉज यू हैव नॉट यू मेनी देर इज ए सर्टन आइडिया इन पाकिस्तान ऑल्सो, लाइक आपने बताया कि वी हैव एन आइडिया अबाउट मुस्लिम्स। द मेजोरिटी ऑफ हिंदूज, यू नो दैट वॉट वी कॉल एज हिंदूज, यार उनका दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी रिलीजन। ये दिस इज वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू स्ट्रेस, ओके, कि उनका कोई मजहब होता ही नहीं है। ये हिंदू टैग इज पुट बाई ऑनर्स बाई द ब्रिटिश। तो हमारा कोई दीन नहीं है, हमारा कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये सब फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। एक ही हिंदू में, यू नो, इन द सेम फैमिली, फॉर एग्जाम्पल, माई मदर वॉज ए थीस्ट एंड आई वॉज एन एथिस्ट, ठीक है, और माई फादर वॉज एन एग्नोस्टिक। तो ये सब चलता है, एंड वी आर नॉट, वी आर, हमको कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि हमको मंदिर ले जा सके, कोई ऐसा करता नहीं प्रशांत साहब, इसमें मैं सिर्फ इस पे एक चीज बता दूं कि देखिए, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि देखने का तरीका होता है, और मसला तब क्रिएट होता है कि जब मुसलमान हिंदुइज्म को इस्लाम के लेंस से देखते हैं कि इट इज एन आइडियोलॉजी दैट इज लाइक बाय द बुक, या हिंदू इस्लाम को उस लेंस से देखना शुरू करते हैं कि इट इज लाइक ओपन। ये दोनों बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, इनकी बुनियादें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आखिरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा ना, कि समटाइम्स आई फील, ये मेरे दिल की बात है, ठीक है ना,
कि यू नो ये मजहब जो है ना, आई डोंट नो, बट जो भी मैं देख रहा हूँ, मैंने काफी दुनिया देखी है, ठीक है ना, मैं दिल्ली में भी काफी साल था, सो आई हैव सीन इट, कि मेरे को कभी कभी लगता है कि इस मजहब की क्या जरूरत है। अगर फर्ज करो आप भी मानते हैं एक ही खुदा है, हम भी मानते हैं, यू नो इफ देर वॉज ए क्रिएटर देर कैन नॉट बी टू क्रिएटर्स बिकॉज देन देर बी क्वारलिंग विथ ईच अदर ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो अगर एक खुदा है तो ही वुड बी वन वन क्रिएटर इफ एट ऑल इज देयर, और सम क्रिएटर सम काइंड ऑफ फोर्स वुड बी देयर व्हिच वुड क्रिएट अस, तो ही वुड डेफिनेटली नॉट वांट ऑल द क्रिएशन टू स्टार्ट फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स ना, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो मेरा यू नो आई समटाइम्स फील यू नो एंड आई थिंक मेरा वो जज्बा आता है ना कि अरे यार ये मजहब की क्या जरूरत है, अगर ये मजहब भी नहीं होता ना तो ये हिंदू मुस्लिम ये ऑल दीज थिंग्स ये फसाद ये कुछ होता ही नहीं ना। प्रशांत साहब, अगर आपने तारीख पढ़ी हो तो जब मजहब नहीं था तो लोग इससे पहले नेशनलिज्म पे लड़ रहे थे, उससे पहले किसी और चीज पे लड़ रहे थे, उससे पहले औरत मर्द लड़ रहे थे, उससे पहले ताकत और कमजोर लड़ रहे थे। तो इंसान इंसान हमेशा लड़ता है, उसको ये नहीं मिलेगा तो जैसे वो ओ माई गॉड मूवी में कहता है ना कि तुम इनसे उसको इनका वजह भगवान, चाहिए, उसको कुछ वजह चाहिए। ओ माई हाँ गॉड मूवी थी परेश रावल की, कि इनसे इनका भगवान छीनोगे तो ये तुम्हें भगवान बना देंगे, आप इनसे कुछ एक छीन लीजिए, कुछ और ढूंढ लेंगे लड़ने के लिए। ठीक है, मेरी एक जस्ट फॉर द यू नो आई डोंट नो वेदर यू मे एग्री विद मी, बट इन द लास्ट लेट अस से 200 इयर्स, आपको नहीं लगता कि द मैक्सिमम वॉर्स हैव बीन फॉट ओवर रिलीजन? इट डेड, क्योंकि इट वाज अ प्रीवेलिंग आइडियोलॉजी, उसी पे हाँ बात हो रही थी, उसी पे बहस हो रही थी, और उससे हाँ पहले नेशनलिज्म पे इसलिए होती रही क्योंकि उस पे बहस हो रही थी, और वो मसला था, और ताकत मसला था। कल इसको तो फ्यूचर में आखिरी आई वांट टू एंड दिस वे, आपको नहीं लगता कि गोइंग फॉरवर्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड वुड बी बेटर सर्व्ड इफ वी टेक ऑल द गुड इन ऑल रिलीजियंस एंड स्टॉप एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स? शर्मी, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल तो है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता। मतलब ये हम आप खुद देखें ना, हम ये कैसे कर सकते हैं ओवरऑल? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सब सबको ये समझा दें कि हम सब की आइडियोलॉजी एक है, और हम कुछ ले लें और कुछ छोड़ दें, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद देखें, जिस तरह अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखें कि आप अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है ना, लेकिन उधर पहुंचना कैसे है वो तरीका अलग है, तभी तो हमारे डिफरेंसेस होते हैं। हम जब तक हम वो तक नहीं कर पाते तो रिलीजन तो फिर एक ऐसी चीज है कि जिसका बनाने वाला हमारे सामने भी नहीं है, और उसमें सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं। तो ये हमारी लॉजिकल भी है, ये हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर हम इसके इसके ख्वाब में काम करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हमें इसका प्रैक्टिकल हल ये मेरे ख्याल में, मुझे ये नजर आता है कि हम सब लोगों को ये समझाएं कि इन डिफरेंसेस के साथ भी हम जिंदा रह सकते हैं, इन डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे की इज्जत करके भी जिंदा रह सकते हैं। एक होना जरूरी नहीं है, आपके और मेरे डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, एग्जैक्टली लेकिन क्या वो आइडियोलॉजीज ऐसी हैं कि वो हमें एक टेबल पे बैठने से रोक देंगी? अगर रोक देंगी तब उस आइडियोलॉजी में मसला है, तब उस आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन जब तक वो आपको और मुझे टेबल पे बैठने से नहीं रोक रही, तब तक आप कुछ भी अपने घर में मानिए और मैं कुछ भी अपने घर में मानू। करेक्ट 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 जी, लेट मी एंड दिस, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो फ्रॉम व्हाट यू से, यू नो आई एम रिमाइंडेड ऑफ व्हाट गांधी जी वाज वंस आस्क्ड, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइबल, एंड देन वन ऑफ द यू नो जो भी जेसुइट प्रीस्ट थे, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप सर्मन ऑफ द माउंट वो आप इतने इंप्रेस है तो आप क्यों क्रिश्चियन नहीं बन जाते? तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आई वॉन्ट टू यू नो सर्व द कॉज ऑफ हिंदुइज्म बाई रीडिंग इट ऑफ ऑल इट्स इवेंट्स, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट ए बेटर यू नो एटलीस्ट वॉट एवर पीपल आर प्रैक्टिसिंग, आई वॉन्ट टू लीव द यू मेक इट ए बेटर वे फॉर द फ्यूचर। हाँ, तो ये आई थिंक वॉट यू आर डूइंग इज समथिंग एग्जैक्टली दैट, एंड आई कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस, एंड यू नो मे गॉड बी विथ यू। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।